तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कसौल। ये है हमारा स्टे हाउस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज है 22 अक्टूबर 2020। आज हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र की ओर। वैसे तो हमने ट्रैवलिंग कल शुरू कर दी थी, लेकिन कल रात हमें ज़्यादा अंधेरा हो गया था मंडी में। तो मेरे पीछे यार गाड़ी आ रही है, इसे निकल जाने देता हूँ। और कल रात हमने स्टे की थी मंडी में, क्योंकि मंडी में हम इसलिए रुके थे, मुझे आपको कुछ दिखाना था, कुछ इंटरेस्टिंग बातें बतानी थी। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिवर्स चलते हैं, देखते हैं कल हमारा सफ़र कैसे रहा। बाद में हम फिर से यहाँ पर आते हैं और आपसे बातें करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने 19.1 किलोमीटर सफ़र तय कर लिया है, और यहाँ से मंडी है 110 किलोमीटर। अभी हम रुके हैं थोड़ा चाय पानी पीने के लिए, तो चाय पानी पीने के बाद हम सीधा निकल पड़ेंगे यहाँ से मंडी के लिए। वैसे हमने जाना तो कसौल है, लेकिन पॉसिबल नहीं है पूरी रात बाइक चलाकर हम जाएं, तो इसलिए हम आज रात मंडी रुक जाएंगे। तो तकरीबन अभी हमें तीन या साढ़े तीन घंटे और लगेंगे मंडी जाने के लिए। आपने रास्ता देखा है पीछे, जो ये रोड है रात को आने के लायक नहीं है, बहुत ही ख़राब रोड है। आप अवॉइड ही कीजिए रात को सफ़र करने में, हो सके तो दिन के टाइम ही इस रोड पर आइए। तो अभी हम चाय पानी पीते हैं फिर चलते हैं आगे। अंकल जी चाय बढ़िया बना देना, बढ़िया बढ़िया मीठा रोक के और पत्ती ठोक के, पानी रोक के थोड़ा दूध ठोक के। हाँ ये बढ़िया बात, क्या बात है। अंकल ने चाय बना रहे हैं अभी, ये लो जी दूध डल गया, क्या बात है। अंकल पी के देखते हैं आपकी चाय कैसी बनी है, फिर ठीक है सर फिर देंगे आपको 10 में से कितने नंबर मिलते हैं आपको देखते हैं। ठीक है। तो जी चाय हमारी आ गई है, अंकल ने वैसे चाय तो अच्छी बनाई है, क्या बात है जी। साग, साग के साथ रोटी, रोटी नाल मिर्चा। लो जी चलो खाते हैं सर। अंकल वैसे ट्रक पे निकलते हैं यहाँ से ना जी, ट्रक ट्रक हाँ तो रिंग रोड है ये। हाँ तो भाई हमें चले हुए नीचे से करतारपुर से अभी 1 घंटा हुआ है, और 1 घंटे में हम तकरीबन 500 ट्रक क्रॉस कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रक है यार इस रोड पे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंडी। यह है मंडी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम पे। आज की रात हम यहीं पर गुजारेंगे और कल सुबह हम यहाँ से रवाना होंगे कसौल के लिए। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ गुरुद्वारा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। ये गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्रेंस है, और सामने है ये गुरुद्वारा साहिब, शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह जी।
यहाँ से आपको रहने के लिए कमरा मिल जाएगा किराए पे, 200 रुपये की पर्ची काटेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आके अपना रूम वगैरह बुक करवा सकते हैं आराम। रात को मंडी शहर रुकने के बाद सुबह होते ही हम अपनी मंजिल कसोल की तरफ रवाना हो गई। मंडी शहर से लेकर बूंतर तक पूरा रोड खराब था। 2.5 घंटे का सफ़र हमने 4 घंटे में तय किया। और ये है सामने ब्यास रिवर। बारिश के समय इसका लेवल इतना बढ़ जाता है कि ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ पर आया था तो मुझे पूरी रात बस में बितानी पड़ी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसके कारण ये रास्ता पूरा पानी में डूब चुका था, जिसके कारण इसे पूरी रात बंद रखना पड़ा। अभी टाइम हुआ है 11:30 हो चुके हैं और अभी हम बुक पहुंचे हैं भूंतर। सुबह चले थे 8 बजे और यहां पहुंचते हमें 3 घंटे लग चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो सामने सीधा रोड जा रहा है, ये ब्रिज क्रॉस करके आप जा सकते हैं मनाली कुल्लू रोहतांग के लिए, और इस तरफ है मणिकर्ण और कसोल। हम इस रोड पर जाएँगे, रोड पर चलो पहुँचते हैं कसोल। वो है सामने ब्रिज जो क्रॉस करके आप मनाली जा सकते हैं। ये बहती है पार्वती नदी और उस तरफ है ब्यास रिवर। ये वहाँ जाकर घंटों से दोनों इकट्ठी होती हैं। तो देखो व्यू कितना अच्छा है यार। और ये है रूम। ऑक्सीजन आपको
400-500 में मिल जाएगा। और एक चीज हमें तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं कसौल। ये है हमारा स्टे हाउस हेम ट्रैक कैंपिंग। तो आज यहां पर खूब मजे करेंगे और आपको भी दिखाएंगे फुल वीडियो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि इस कोरोना काल में आपका एक लाइक और कमेंट हमें इम्यूनिटी देता है यार। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आगे shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven. Oh, Namah Shivaya.